हेलो दोस्तों, अमृत सिलेवन टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि स्विंग से आवाज़ आता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं साउंड कैसा आ रहा है। तो देखिए यहाँ से वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ से भी वाइब्रेशन हो रहा है। तो देखिए इसका कोई और उपाय नहीं होता है, इसे बस फिक्स करना होता है, क्योंकि जब एयर कंडीशनर जब पुराना हो जाता है तो इस तरह से साउंड निकलता है। इसमें से इसका स्विंग पट्टी वाइब्रेट करता है, क्योंकि पुराना जब हो जाता है तो इसमें मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या आप कर सकते हैं कि ये फिक्स हो जाए साउंड, फिर वाइब्रेशन करना इसका बंद हो जाए। स्प्लिट एयर कंडीशनर में अक्सर ऐसा होता है। और इसके बाद एक और हमारे दोस्त ने कमेंट किया है कि स्विंग पट्टी हमारी नहीं चलती, जैसे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है। वो हमारे एक दोस्त कह रहे हैं कि हमारी स्विंग पट्टी ऊपर नीचे नहीं हो रही है। तो मैं दूसरे एयर कंडीशनर में दिखाऊंगा, इसमें नहीं, इसमें डबल स्विंग पट्टी है। अब देखिए इसे फिक्स करने के लिए देखिए ये अगर वाइब्रेशन इस तरह से हो रहा है, देखिए शायद मैं कैमरा सीधा करता हूँ, देखिए किस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है और कैसे साउंड आ रहा है इसमें से। अब देखिए इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ से वाइब्रेशन हो रहा है, क्योंकि ये ढीला हो जाता है तो वाइब्रेशन इस तरह से करता है। देखिए यहाँ पे ये इसके अंदर एक पार्सल जैसा लगा हुआ है, इसे अगर आप चेंज कर, अब देखिए वाइब्रेशन बंद हो गया। तो ये ढीला होने की वजह से इस तरह से वाइब्रेशन करता है। तो इसे क्या करें, इसे जगह पे ऐसे स्विंग पट्टी देखिए नीचे था इस तरह से, जहाँ पर ये इसका साउंड ना आए, जहाँ पे फिक्स बैठे वहाँ पे इस तरह से करके आप एयर कंडीशनर को चला सकते हैं, अगर आपका एयर कंडीशनर पुराना हो गया है तो। अब देखिए रिमोट में ये स्विंग हमारा है, ये स्विंग है। अब देखिए स्विंग ये ऑटो पे है, अभी आप ये ऊपर चला गया स्विंग, आप देख रहे हैं ये ऊपर चला गया, देखिए ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा करके वो फिक्स वहीं पे रुक जाएगा, फिर अगर अब देखिए यहाँ पे साउंड आ रहा है, देखिए अब जहाँ पे साउंड नहीं आ रहा हो इसे अब नीचे करिए थोड़ा, और यहाँ पर इसका साउंड नहीं आएगा तो इसे इस जगह पे एक जगह पे फिक्स कर दें इस तरह से और चलने दें, अगर एयर कंडीशनर पुराना हो गया है तो। या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं आप, इसका ये जो यहाँ पे, मैं इसको निकालना नहीं चाहता क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके ये देखिए छोटा सा पार्सल जैसे लगा हुआ है यहाँ पे, ये आप निकाल करके आप दुकान से जाएं खरीद के लिए, शॉप से खरीद के लेके आए, मेरे ख्याल से 1 रुपये का या फिर 2 रुपये का शायद मिलेगा, बहुत ही कम पैसे का है, 1 रुपये के भाव में मिलेगा शायद। ये निकाल करके ले जाएँ आप, इसे निकाल करके स्विंग पट्टी और इसे प्रेस करें, बाहर निकल जाएगा। मैं ये पार्टी के घर पर हूँ इसलिए मैं इसे निकालना नहीं चाहता, क्योंकि निकालूंगा तो बेवजह है, केवल मैं चेक करने के लिए आया हूँ कि कैसा चल रहा है एसी, इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा सा बना रहा हूँ, ये वाइब्रेशन आ रहा था इसी की वजह से। तो एक जगह पे इसे हम फिक्स कर देंगे, जब पुराना एयर कंडीशनर एक जगह पे फिक्स कर देंगे तो ये साउंड नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको निकाल करके, ये छोटा सा है प्लास्टिक, इसे निकाल करके ले जाएं और ऐसा ही नया खरीद के लेकर के आएँ और लगा दें, अगर फिक्स हो गया तो सही है, नहीं तो इसी तरह से आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। जब एयर कंडीशनर पुराना हो जाता है तो उसके पार्ट ढीले हो जाते हैं, इसलिए इस तरह से वाइब्रेशन करता है ये। और मैं अगला एयर कंडीशनर में दिखाने की कोशिश करूँगा, अभी मैं चलता हूँ लेकर के, एक दूसरा हुंडई का एयर कंडीशनर है जिसका स्विंग मैं बताऊंगा कि स्विंग नीचे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण होता है उसका। यहाँ पर डबल स्विंग लगा हुआ है, यहाँ पर मैं निकालना नहीं चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर पार्टी है इस समय, इसलिए मैं इसे निकालना नहीं चाहता, मैं दूसरे एसी में जो खाली है वहाँ पर निकाल के दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास हुंडई का ये दूसरा 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, ये दूसरे कमेंट का आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पट्टी लगी हुई है, स्विंग ये चल रहा है, ये इस समय हमारे एक दोस्त कह रहे हैं कि स्विंग पट्टी एक जगह पर रुकी हुई है वो नहीं चलता है, इसका कारण क्या होता है पता है। आप देखिए या तो स्विंग मोटर, आप रिमोट से स्विंग आपका या तो बंद होगा, या फिर आपका मोटर ख़राब होगा, या फिर स्विंग में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, इसे मैं निकालूँगा,
ये देखिए ये निकल गया स्विंग। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है, खांचा जैसे बना हुआ है, ये स्विंग मोटर का ये शाफ्ट है, स्विंग मोटर का ये शाफ्ट है, इसमें बैठता है ये जो खांचा बना हुआ है ये शाफ्ट में बैठता है। देखिए बिल्कुल घाट जैसे बना हुआ है, ये चीज़ उसमें बैठता है। अगर ये टूट गया होगा, ये टूट गया होगा या फिर जगह इसका फैल गया होगा तो ये नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा, एक जगह पर रुका रहेगा, स्विंग काम नहीं करेगा। अगर इसका ये जगह जो है ये घाट है ये अगर बड़ा हो गया होगा या फिर स्विंग आपका नहीं चल रहा होगा, स्विंग मोटर छोटा सा होता है, स्विंग मोटर इतना बड़ा सा होता है, स्विंग मोटर यहाँ पे लगा होता है, ये अगर नहीं चले इसी वजह से अगर नहीं चल रहा होगा स्विंग मोटर तो ये काम नहीं करेगा। या फिर इसका ये खांचा ये बड़ा हो गया होगा, इसमें जो होल है ये बड़ा हो गया होगा या फिर टूट गया होगा ये थोड़ा सा, तो ये काम नहीं करेगा, एक जगह पर रुका रहेगा। जैसे देखिए कभी कभी होता है कि शाफ्ट से बाहर निकल जाता है। अब देखिए ये इस तरह से ये शाफ्ट में भी नहीं बैठा है, ये मैं आपको दिखाने के लिए केवल किया हूँ, इस शाफ्ट में भी बैठा नहीं है, इसलिए काम नहीं करेगा, कभी भी काम नहीं करेगा ये जब तक शाफ्ट में नहीं बैठेगा। इधर शाफ्ट में वो खांचे में नहीं बैठा है, अब देखिए बैठ गया, अपने आप बैठ गया, क्योंकि वहाँ पर मैं रखा था स्विंग, वो जब उसका शाफ्ट जब घूमा है मोटर का तो अपने आप वो अपने खांचे में अपनी जगह पर ले लिया है वो। अब इसे मैं वापस यहाँ पर बैठा देता हूँ। देखिए नहीं बैठा है अभी, देखिए ये काम नहीं करेगा, देखिए अभी बैठ गया वापस, क्योंकि ज्यों ही मोटर का शाफ्ट घूमा है वो अपनी जगह पे ले लिया है ऑटोमेटिक, तो इस तरह से काम नहीं कर रहा होगा। अगर वहाँ का जगह बड़ा हो गया होगा या फिर मोटर नहीं चल रहा होगा, मोटर आप चेक करें कि मोटर आपका शाफ्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो यही प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। टूट गया होगा उसका जो घाट है वो, उसका खांचा है वो टूट गया होगा या फिर मोटर नहीं चल रहा होगा। अब देखिए ये चीज़ रिमोट में मैं दिखाना चाहूँगा, अब देखिए मैं रिमोट में दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं नीचे जो आइकन बना हुआ है इस स्विंग का है, यहाँ पर स्विंग का बटन है, इसे प्रेस करेंगे अब देखिए यहाँ पर ये आइकन यहाँ से हट चुका है, यहाँ पर आइकन हट चुका है, रिमोट भी सही नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आइकन हट चुका है और स्विंग हमारा बंद हो चुका है। देखिए एक जगह पे रुका हुआ है स्विंग, हो सकता है कि यहाँ रिमोट से भी बंद हो, अगर रिमोट से चालू करने पर ये आप देखिए रिमोट भी काम नहीं कर रहा सही से, अब देखिए स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आइकन बन चुका है स्विंग का, अब देखिए स्विंग हमारा काम कर रहा है, हो सकता है रिमोट से बंद हो, अगर रिमोट से नहीं बंद हो तो मैं बता चुका हूँ वही प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे देखिए एक और मैं कमेंट इंक्लूड करता हूँ इसमें, एक हमारे दोस्त ने पूछा था कि स्प्लिट एसी में सेंसर कहाँ लगा होता है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ उन हमारे दोस्त को कि सेंसर कहाँ लगा होता है। इस टॉप कवर को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ से फिल्टर को हटाएंगे। अब देखिए ये होता है सेंसर, यहाँ पे लगा है ना ये सेंसर, ये लगा होता है और इसका पॉइंट जो लगा होता है मेन पॉइंट ये अंदर जाके पीसीबी में लगा होता है, इसके अंदर पीसीबी इसके अंदर है, इसके लिए टॉप कवर खोलना पड़ेगा ये, तब उसके बाद पीसीबी दिखेगा, इसका पॉइंट पीसीबी में लगा होता है। ये अगर बाहर निकला हुआ है तो ये कट नहीं होगा, ये लगातार कंप्रेसर इसका चलता रहेगा और इस कूलिंग कॉइल पे आइस जमेगा तब, अगर सेंसर बाहर निकला है या फिर सेंसर ख़राब है। यहाँ से देखिए ये सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ लगा होता है सेंसर। आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सेंसर कहाँ लगा होता है। ये होता है रूम टेम्परेचर सेंसर, और कॉइल सेंसर कॉइल में लगा होता है, ये यहाँ पे अंदर लगा होता है, कॉइल सेंसर दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर है, यहाँ कहीं है अंदर, कॉइल में लगा होता है और ये रूम टेम्परेचर सेंसर है।
इसे वापस हम बंद कर देंगे। फिल्टर हमारा थोड़ा गंदा है लेकिन अभी साफ़ करने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।